अब बच्चों अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल 21 न्यू बुक्स में, एग्जाम्पल 28 ओल्ड बुक्स में क्या है। इफ टैन एक्स इज इक्वल टू 3/4, टैन एक्स दे रखा है 3/4, एक्स इज ग्रेटर देन पाई, लेस देन 3π/2, एक्स क्या है 180 से बड़ा, पाई यानी 180, 3π/2 यानी 270 से छोटा, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाय टू, कॉस एक्स बाय टू एंड टैन एक्स बाय टू, एक्स बाय टू की वैल्यू निकालनी है। अभी आपको छोटा सा पॉइंट बताया कि अगर कोई भी थीटा गिवन है, कोई भी एंगल की वैल्यू गिवन है, तो मैं इसके डबल वाली वैल्यू भी निकाल सकता हूँ 2θ, और इसके हाफ वाली यानी 3θ/2। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, नोटिस करो, एक्स गिवन है, एक्स पे वैल्यू पता है टैन एक्स पे, जाना किस पे हाफ, मैं इसके 2x की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ और इसके हाफ की x/2। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब मैं आपको एक रटा हुआ वे बताऊंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ, कैसे कुछ स्टेप्स बोलूंगा, उससे क्वेश्चन कर लेना, इस वैरायटी के हर क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टेप नंबर वन, सबसे पहला स्टेप क्या करो, मेरे को पता है कि x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x 180 से बड़ा, 270 से छोटा, निकालना क्या x बाय टू, तो क्या कर दो एंगल को हाफ कर दो, सारी तरफ 2 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड हुआ 90 देखो, और ये 2 से डिवाइड हुआ 145, तो x बाय टू कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 90 से बड़ा 145 से छोटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान से बात समझ, अगर x थर्ड में है तो x बाय टू सेकंड में आएगा, अगर x सेकंड में है तो x बाय टू फर्स्ट में आएगा, यानी जो क्वाड्रेंट है उससे एक पिछला, अगर फोर्थ में x तो थर्ड में आ जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर हो। हाँ, अब एक क्वेश्चन आ सकता है, सर मान लो मेरा x है ही फर्स्ट में, तो कई बच्चे बोलेगा फोर्थ में, मैं करना फर्स्ट का फर्स्ट में रहेगा, क्योंकि एंगल डिवाइड कर दो तो भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता। लेट से मैंने आपको एक्स बोल दिया, क्या बोलते हैं, जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, तो हाफ करने पर ये जीरो, ये 45 रहेगा फर्स्ट में। चलो, तो ये हो गया स्टेप नंबर वन, सबसे पहला काम आपको ये करना है, स्टेप वन। अच्छा, नाउ स्टेप टू, टैन एक्स हो, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, कुछ भी हो, कन्वर्ट कर लो इसको कॉस एक्स में। स्टेप टू क्या करो, टैन एक्स दे रखा है 3/4, कॉस एक्स में वैल्यू निकाल दो, उसके लिए आंटीज आपको आती है, sec स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इधर शिफ्ट करो, sec स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 प्लस tan square x, तो sec x क्या हो जाएगा, अभी ये चलो sec square x निकालते हैं, sec square x क्या होगा 1 plus 3/4 का whole square, sec square x is 16 by 16, अब sec x, तो sec x क्या होगा, जैसे ही स्क्वायर हटाओगे रूट आ जाएगा, प्लस माइनस 25/16, ध्यान से समझना, प्लस माइनस, प्लस ले या माइनस ले कैसे पता लगाए, यानी sec x हो गया मेरा प्लस माइनस 5/4। अब x कौन से क्वाड्रेंट में है, x है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को पता है कि सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, टैन एंड कॉट, बाकी सब नेगेटिव, तो sec x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 5/4। अब sec x आ गया, cos x निकाल लो, cos x इज माइनस 4/5। ये था स्टेप नंबर टू, पहला ये निकालो x बाय टू कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड कुछ भी दे रखो कॉस में कन्वर्ट कर लो। अब स्टेप थ्री, मैं यूज करूंगा कॉस 2θ के फॉर्मूलास,
कॉस टू थीटा, ये फॉर्मूला यूज करना, टू कॉस पर थीटा माइनस वन। नोटिस करो, अगर यहां टू थीटा तो यहां आ गया थीटा, अगर यहां कर दू मैं थीटा तो राइट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू फिर माइनस वन। तो क्या बना इस अकॉर्डिंग? अब मेरे को क्या करना है, x से x बाय टू पे जाना है, x से x बाय टू। तो x कहां आएगा, लेफ्ट में x बाय टू, राइट में cos x इज इक्वल्स टू टू cos स्क्वायर x बाय टू माइनस वन। cos x की वैल्यू डालो, cos x इज माइनस फोर बाय फाइव, टू cos स्क्वायर x बाय टू माइनस वन, इधर शिफ्ट कर दो, वन माइनस फोर बाय फाइव cos स्क्वायर x बाय टू, ये आपका आ गया वन बाय फाइव इज इक्वल्स टू टू cos स्क्वायर x बाय टू। तो cos स्क्वायर x बाय टू की वैल्यू आ गई वन बाय टेन। अब स्क्वायर हटाओ तो प्लस माइनस, प्लस माइनस रूट में वन बाय टेन, एक्स बाय टू सेकेंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज एक्स बाय टू लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड में क्या होता है मेरा, सिर्फ साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, देयरफॉर कॉस एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय रूट टेन, कॉस आ गया, कॉस आ गया। अब सारी वैल्यू इजिली निकल जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू वन, डालो वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस माइनस वन बाय रूट टेन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, इधर शिफ्ट कर दो, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू वन माइनस वन बाय टेन। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू हो गया मेरा नाइन बाय टेन, साइन एक्स बाय टू रूट में नाइन बाय टेन दैट इज थ्री बाय रूट टेन, क्यों, क्योंकि एक्स एक्स बाय टू किधर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसे रैशनलाइज भी कर दो, रूट टेन बाय रूट टेन, थ्री रूट टेन बाय टेन, इसी तरह इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं, रूट टेन बाय रूट टेन माइनस रूट टेन बाय टेन, साइन आ गया कॉस आ गया, निकाल लो टेन, टेन क्या होता है, टेन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू, साइन थ्री रूट टेन बाय टेन, कॉस माइनस रूट टेन बाय टेन, कट गया, आंसर इज माइनस थ्री। इसी के ऊपर बेस्ड है आपके ये तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन एट नाइन टेन, इसमें टेन मेरे को कराना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा एट और नाइन आप खुद को अटेम्प्ट करें।